हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और एक न्यू वीडियो के साथ। मेरा नाम सरस्वती नायक है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हेयर ग्रोथ के बारे में। क्या आपके बाल भी बहुत ज़्यादा टूटते हैं, आपके बाल बहुत ज़्यादा कमजोर है और हेयर में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ्स है और आपके बालों की जो नर्सरिंग है वो पूरी जा चुकी है, तो ये सारे प्रॉब्लम के लिए मैं आपके लिए एक सोल्यूशन लेके आई हूँ। जी हाँ, और ये सोल्यूशन के लिए आपको फॉरएवर की कौन सी प्रोडक्ट यूज करनी चाहिए, पहले हम ये जानते हैं। फर्स्ट आपको फॉरएवर की जो शैम्पू और कंडीशनर, देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फॉरएवर की शैम्पू यूज करते हैं, कंडीशनर मार्केट से ले आते हैं और पैसे के चक्कर में ऐसे करते हैं। तो ऐसे करने से क्या होता है ना, आपको जो एक्चुअल में रिजल्ट मिलना रहता है वो रिजल्ट आपको नहीं मिलता है। और अगर आप ये दोनों प्रोडक्ट की कॉम्बिनेशन से आप यूज़ करते हैं तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। देन आपको फॉरएवर की एलोवेरी नेक्टर, देन आपको फॉरएवर की रॉयल जेली, देन आपको फॉरएवर की एलोवेरा जेली, ये पांच प्रोडक्ट को आपको यूज़ करना है। तो अब आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि इसे आप कैसे यूज करें, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ कि आपको ये सारे प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है, जैसे यूज करके आप 100% रिजल्ट पा सकते हो। फर्स्ट आपको फॉरएवर की एलोवेरी नेक्टर आपको हर दिन सुबह खाली पेट आपको 50 ml पीना है और उसके ठीक 20 या 30 मिनट के बाद आपको 1 glass वाटर पीना है। सेम प्रोसेसिंग आपको इवनिंग को भी करना है, 50 ml आपको खाली पेट पीना है और ठीक उसकी 20 या 30 मिनट के बाद आपको 1 glass वाटर पीना है। और फॉरएवर की शैम्पू और कंडीशनर आपको एक दिन के बाद एक दिन आपको इसे लगाना ही है। और जो फॉरएवर की रॉयल जेली को आपको दिन में 2 बार लेना है, आपको इसे लंच के बाद और डिनर के बाद ले सकते हैं, पर इसे आपको पानी के साथ नहीं लेना है, इसे आपको जिब में रख के चुस्के इसे लेना है। और फॉरएवर की एलोवेरा जेली आपको इसे हर दिन रात को आपकी हेयर पर अच्छे से मसाज करना है, हेयर की रूट पर आपको उसे अच्छे से मसाज करना है। तो देखिए, तो इसे अगर आप यूज करते हैं तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा, पर ऐसा नहीं कि आप इसे 1 या 2 बार यूज कर लेंगे तो फिर बोलोगे कि नहीं, ये प्रोडक्ट यूज करने से आपको रिजल्ट नहीं मिला। और जिनके सर पर एकदम से बाल नहीं है तो ये ऐसा नहीं कि इसे यूज करने से आपके बाल आ जाएंगे, पर जो भी बाल होंगे तो इसे अच्छे से नर्सरिंग करता है और इसे टूटने नहीं देता है। आपको अच्छे से पता होगा कि हेयर फॉल होने का मेन रीजन क्या है। हेयर फॉल होने की मेन रीजन ये है कि डैंड्रफ। तो ये जो सारे में प्रोडक्ट आपको बताई, अगर आप ये सारे प्रोडक्ट को आप यूज करते हैं तो आपकी हेयर में डैंड्रफ नहीं होगा, तो डैंड्रफ नहीं होगा तो हेयर फॉल ही नहीं होगा। अगर आपको ये सारे प्रोडक्ट के बारे में और भी डीपली जानना है तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मेरी नंबर है और स्क्रीन पर भी मेरी नंबर है। और अगर आप ये सारे प्रोडक्ट बाय करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक में दे दूंगी, जिसे आप खुद ही ये सारे प्रोडक्ट को बाय कर सकते हो। अगर आपको मुझसे भी लेना है तो भी आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। फिर मिलते हैं और एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।